नमस्कार दोस्तों, माँ राम मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डिमांड रही है कि सर आप सबसे पहले हमें ये चैप्टर करवाएं, हमारी इस चैप्टर में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो मैंने उन सभी बच्चों की डिमांड का ख्याल रखते हुए, उन सभी बच्चों की मांग को ध्यान में रखते हुए आज मैं ये चैप्टर आप सभी को करवाने जा रहा हूँ। और मैं उन सभी बच्चों को विश्वास दिलाता हूँ जिन बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, तो अगर वो मेरी सभी वीडियोज जो मैं इस चैप्टर की डालने वाला हूँ, अगर वो मेरी सभी वीडियोज को शुरू से अंत तक देखेंगे तो उन बच्चों को ये चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर स्टार्ट करवाऊँ, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चल सके। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि आप सभी के लिए मैं और एनर्जेटिक वे से और बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। सो बच्चों, हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहले रिलेशन को डिफाइन करेंगे। इससे पहले कि रिलेशन को डिफाइन करें तो कुछ और टर्म्स आपको डिफाइन कर देता हूं ताकि आपको रिलेशन कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना रहे। हमने प्लस वन में ऑर्डर पेयर किया है बच्चों। व्हाट इज ऑर्डर पेयर? वैसे नाम से ही क्लियर है, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर मीन्स किसी रूल के अकॉर्डिंग, पेयर मीन्स दो एलिमेंट। अगर हम दो एलिमेंट को किसी रूल के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम ऑर्डर पेयर। पेयर मीन्स दो एलिमेंट। सपोज वी आर गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। हमारे पास दो एलिमेंट है। अगर इन दो एलिमेंट को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, सपोज इस तरह की फॉर्म में लिखता हूं ए कोमा बी और इसको ओपन ब्रैकेट में लिख देता हूं, तो इस तरह की फॉर्म को हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर। सो बच्चों, ये कोई जरूरी नहीं है हमें ए को पहले लिखा है बी को बाद में लिखा है, तो हम बी को पहले लिखें ए को बाद में लिखें, यानी दूसरे एलिमेंट का, दूसरे सेट का जो एलिमेंट है उसको पहले और पहले सेट का जो एलिमेंट है उसको दूसरे, इसको भी हम ऑर्डर पेयर बोलेंगे। यानी किसी भी हम नियम के अकॉर्डिंग जो उसने डिफाइन कर रखा है नियम सेट्स में, तो अगर हम उस नियम के अकॉर्डिंग दो एलिमेंट को ओपन ब्रैकेट में हम लिखेंगे तो उस फॉर्म को बोला जाता है ऑर्डर पेयर। बच्चों, ऑर्डर पेयर जब हमारे पास टू ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, सपोज मेरे पास एक ए कोमा बी ये ऑर्डर पेयर है, दूसरा ऑर्डर पेयर है मेरे पास 3,4। अगर मेरे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो हम ये बोलते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के इक्वल है, ए इज इक्वल टू 3 के इक्वल है और बी किसके इक्वल है बच्चों? 4 के। अब बच्चों देखिए, अगर मेरे पास ए बी और सी डी दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ये दो ऑर्डर पेयर हमारे पास इक्वल दे रखे हैं अगर, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। और दूसरी बात बच्चों, हमारे पास ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं हो सकते। ए बी और बी ए कभी इक्वल नहीं हो सकते। ये इक्वल केवल तभी हो सकते हैं ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए, केवल तभी इक्वल हो सकते हैं अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी हो, तब हमारे पास इन दोनों इक्वल हो सकते हैं। अदरवाइज ए बी और बी ए कभी हमारे पास इक्वल नहीं हो सकते। इसके बाद बच्चों, हमारे पास हमने प्लस वन में किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट और दूसरा हम इसको ये नाम भी बोल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और वी कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। अब बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती थी? सपोज वी आर गिवन टू एलिमेंट्स, टू सेट्स, वी आर गिवन टू सेट्स, वन इज ए कोमा बी, सेकेंड इज बी इज 3,4,5। सो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दी टू सेट कैन बी ए क्रॉस बी और दूसरी हो सकती है हमारे पास बी क्रॉस ए।
अब बच्चों कार्टिजन प्रोडक्ट क्या होती थी, अगर मुझे ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो इसका मतलब ये है कि बच्चों हमारे पास ये ए क्रॉस बी द सेट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी, यानी ए क्रॉस बी हमारे पास उन ऑर्डर पेयर का सेट है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट कहां से, बी से। यानी फर्स्ट एलिमेंट ए से मैंने ए लिया और बी से मैंने तीन लिया, तो ए कोमा तीन, फर्स्ट एलिमेंट ए से मैंने ए लिया लेकिन बी से चार ले लिया, ए कोमा चार, ए कोमा पांच, या बी कोमा तीन, बी कोमा चार, बी कोमा पांच। अब देखिए बच्चों ये कौन से ऑर्डर पेयर है, ये वो ऑर्डर पेयर जिसमें पहला एलिमेंट ए से और दूसरा एलिमेंट बी से है, पहला एलिमेंट ए से दूसरा एलिमेंट बी से, तो ये ऑर्डर पेयर हो गया। और इसके साथ मैंने करली ब्रैकेट लगा दी तो ये ऑर्डर पेयर का सेट हो गया, यानी ए क्रॉस बी द सेट ऑफ दोज ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली बच्चों बी क्रॉस ए अगर बोलता है वो निकालने के लिए, तो बी क्रॉस ए उन ऑर्डर पेयर का सेट होगा जिसमें पहला एलिमेंट बी से और दूसरा ए से, पहला एलिमेंट बी से सपोज बच्चों तीन लेते हैं और ए से ले लेते हैं ए, बी से तीन लिया ए से ले लिया बी, बी से चार लिया फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया ए, बी से पांच चार लिया ए से ले लिया हमने बी, बी से पांच लिया ए से ए ले लिया, और बी से पांच लिया ए से क्या लिया बच्चों बी। तो ये देखिए ये उन ऑर्डर पेयर का सेट है, ये ऑर्डर पेयर है जिसमें पहला एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, पहला एलिमेंट बी से और दूसरा ए से, देख लीजिएगा बच्चों। तो यहां पे देखा हमने ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी हमारे पास बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता, ये ए क्रॉस बी हमारे पास बी क्रॉस ए के इक्वल केवल तभी हो सकता है बच्चों इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी अगर ए सेट हमारे पास क्या है बी सेट के इक्वल है। इसके अलावा बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, अगर आपने ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट को इस तरह से लिखे बच्चों एन ए क्रॉस बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं बच्चों दो, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं तीन, तो दो गुणा तीन यानी कितने हो गए बच्चों छह। अब देखिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पांच छह, तो हमारे पास छह एलिमेंट है ए क्रॉस बी में। अब बच्चों हम देखते हैं रिलेशन, रिलेशन क्या है संबंध, संबंध को अगर हम डिफाइन करें, यानी रिलेशन को अगर डिफाइन करें तो क्या होगी, व्हेन टू ऑब्जेक्ट और टू क्वांटिटी और टू एलिमेंट्स आर कनेक्ट विद ईच अदर, जब दो क्वांटिटी या दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। यानी रिलेशन हमारी हमेशा पेयर में होगी, कभी हम अकेले एलिमेंट की रिलेशन नहीं लेंगे, क्योंकि पेयर में यानी हमें दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे रिलेशन के लिए, ठीक है बच्चों, ए और बी की फॉर्म में, इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। बच्चों सपोज हमें एक ए सेट दे रखा है, सेट ऑफ फादर राम कृष्ण मोहन, और बी सेट है मेरा उनके सन्स का, यानी राम का सन है करण, कृष्ण के शुभम और मोहन का पवन। अब मैं अगर आपको कहूं कि ए क्रॉस बी निकालिए तो आप लोग कैसे निकालें बच्चों ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी उन ऑर्डर पेयर का सेट जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए से है और सेकंड एलिमेंट कहां से है, बी से। फर्स्ट एलिमेंट ए से राम लिया तो सेकंड एलिमेंट बी से कर्ण लेंगे हम, तो राम के साथ कर्ण, राम के साथ शुभम, राम के साथ पवन, इसी तरह कृष्ण के साथ कर्ण, कृष्ण के साथ शुभम, कृष्ण के साथ पवन, फिर मोहन के साथ कर्ण, मोहन के साथ शुभम, मोहन के साथ पवन, ये देखिए बच्चों। तो हमने देखा ये ए क्रॉस बी है, ये उन ऑर्डर पेयर का सेट है जिसमें पहला एलिमेंट ए से दूसरा बी से, तो इसमें टोटल एलिमेंट बन गए हमारे पास नौ। अब मैं आपको रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, रिलेशन इज फादर ऑफ ए टू बी, रिलेशन क्या है, फादर है ए टू बी, यानी ए में फादर है किसके, जो बी में एलिमेंट है उनके। अब रिलेशन बच्चों लिखेंगे कैसे फिर, अब वो तो आर रिलेशन लिख लिया हमने, तो रिलेशन किसके क्या है बच्चों, किसके इक्वल है, जो फर्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों फादर, ए में से आप फादर लेंगे जो बी में एलिमेंट है उसका, तो ए में फादर मान लो राम लिया, राम किसका फादर है बच्चों कर्ण का, तो राम के साथ कर्ण, कृष्ण शुभम का तो कृष्ण के साथ शुभम, तो यहाँ पे कृष्ण के साथ शुभम ले लिया बच्चों, और मोहन का किसका फादर है बच्चों पवन,
तो मोहन के साथ ले लिया फोन। तो ये बच्चों ये उन ऑर्डर पेयर का सेट है जो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का क्या है फादर। तो बच्चों इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आर इज एक्स कोमा वाई, यानी पहला एलिमेंट एक्स है दूसरा वाई, इज सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट, पहला एक्स कहां से है ए से, वाई कहां से है बी से, एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा भी है इसका लिखने का, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी राम रिलेशन, राम का रिलेशन है किसके साथ बच्चों, कर्ण के साथ। इसी तरह से बच्चों कृष्ण का रिलेशन है शुभम के साथ, कृष्ण रिलेट विद शुभम, एंड मोहन रिलेट विद पवन, मोहन की जो रिलेशन है वो किसके साथ है, पवन के साथ है। तो बच्चों इस तरह से भी हम रिलेशन को लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, अब रिलेशन में मैंने प्लस प्लस वन में भी आपने किया है, रिलेशन के अंदर अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होते हैं बच्चों रिलेशन के अंदर, डोमेन हमारे पास होते हैं जो फर्स्ट कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी राम कृष्ण और मोहन, ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, तो इनको बोलेंगे हम डोमेन, यानी राम कृष्ण और मोहन, ये है हमारे पास डोमेन का सेट। और रेंज क्या है बच्चों, यानी रेंज है हमारे पास सेकंड कंपोनेंट यानी करण शुभम और पवन। और जहां से बच्चों रेंज निकलती है, रेंज कहां से निकली है, सेट बी से निकली है, तो सेट बी हमारा क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है हमारे पास, सेट बी, सेट बी यानी सेट बी किन का है बच्चों, करण शुभम और पवन का है। बच्चों जो मैंने ये फॉर्म लिखी है R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स इज फादर ऑफ वाई, इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और जो ये फॉर्म है जिसमें हमने एलिमेंट को दिखा रखा है डायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं। तो ये रिलेशन की फॉर्म है, दोनों का मीनिंग सेम है बच्चों, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब बच्चों मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, लेट मेरे पास एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 डैश 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 डैश, और रिलेशन है मेरे पास, रिलेशन हैज इट्स क्यूब एज एन टू एन, यानी रिलेशन क्या है, क्यूब है जो नंबर है मेरे पास नेचुरल नंबर, जो दूसरा नेचुरल नंबर लोगे उसका उसके वो उसका क्यूब होना चाहिए, जैसे 1 है तो 1 की क्यूब क्या है बच्चों, 1 की क्यूब है 1। अगर मैं नेचुरल नंबर 2 लूं तो 2 की क्यूब क्या है, 2 का रिलेशन इसकी क्यूब के साथ है ना बच्चों, 8। 3 लिया तो 3 की क्यूब हो गया 27। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम रिलेशन को। या दूसरा वे हमारे पास ये भी है, 1 के साथ हमारे पास 1 लिया, 1 की क्यूब 1 है, 2 के साथ 8 लिया, 3 के साथ 27 एंड सो ऑन। या बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह से, टेबुलर फॉर्म होगी, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, लेट एक्स फर्स्ट एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास वाई, और एक्स और वाई इज सच दैट एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो वाई है वो किसके इक्वल है, एक्स की क्यूब के इक्वल है। सो बच्चों दिस फॉर्म इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जो हमारे पास एक्स, एक्स फर्स्ट एलिमेंट है, वाई दूसरा एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट फर्स्ट की क्यूब है, यहाँ पे देखिए दूसरा एलिमेंट फर्स्ट की क्यूब है, दूसरा एलिमेंट फर्स्ट की क्यूब है, तो यानी वाई दूसरा एलिमेंट है, वाई दूसरा एलिमेंट हमारा फर्स्ट की क्यूब है, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट को हमने एक्स बोला है। अब बच्चों डोमेन कहें तो डोमेन क्या होगी हमारे पास, डोमेन आएगा हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और रेंज आएगा बच्चों हमारे पास, रेंज आएगा सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 8 27 डैश डैश डैश। और कोडोमेन क्या आएगा बच्चों, कोडोमेन जहां से हमारी रेंज निकली है, और रेंज कहां से निकली है बच्चों, नेचुरल नंबर से निकली है, सेकेंड एलिमेंट नेचुरल नंबर से, तो कोडोमेन आएगा बच्चों सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
जैसे बच्चों मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपके पास, आपको सपोज मेरे पास ए सेट है, ए कोमा बी कोमा सी, और बी सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5। तो बच्चों मेरे पास रिलेशन इस तरह से है ए टू बी, ये हमारे पास रिलेशन है ए टू बी। सो रिलेशन, सो बच्चों यहां पे रिलेशन देखिए हमारे पास ए की 1 के साथ है और बी की हमारे पास क्या है 2 के साथ है और बी की 5 के साथ भी है और सी की किसके साथ है 4 के साथ है। तो बच्चों अगर मैं यहां से डोमेन कहूं, डोमेन है मेरे पास बच्चों यहां पे ए बी सी, ये सभी सेट सभी एलिमेंट क्या है डोमेन, और रेंज क्या है मेरे पास, रेंज है मेरे पास 1 2 4 5, और कोडोमेन के सेट क्या है मेरे पास बच्चों, कोडोमेन के सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5। सो बच्चों इस तरह से हम रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन, सेकंड एलिमेंट को बोलते हैं रेंज, और जहां से हमारे सेकंड एलिमेंट निकले, जहां से हमारे 1 2 4 5 निकले जिस सेट से, उसको बोलेंगे हम कोडोमेन। सो बच्चों ये थी हमारी रिलेशन। अब हम नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम कितनी हो सकती है ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन बतानी है फ्रॉम ए टू बी तो हमारे पास कितनी होगी बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो होगी हमारे पास बच्चों ए टू बी सेट में यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, ए क्रॉस बी में हमारे पास एलिमेंट कितने होंगे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इफ देयर आर एम एलिमेंट इन ए एंड एन एलिमेंट इन बी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे बच्चों हमारे पास एम इन टू एन, यानी और हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी है फ्रॉम ए टू बी, तो नंबर ऑफ रिलेशन हमारे पास किस तरह से निकलेगी, कितने रिलेशन हो गए हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वो होंगी बच्चों हमारे पास 2^m(n)। बच्चों अगर वो हमारे को ये कहता है कि हमारे पास दो सेट हैं, एक ए सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 और एक है सेट बी नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 4 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास ए में कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितनी होगी बच्चों, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितनी होगी बच्चों हमारे पास ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होगी बच्चों 2^m(n), ये m है नंबर ऑफ एलिमेंट को, इसको बोलते हैं m और इसको बोलते हैं n, तो 2^m(n), 2^2×3=6, यानी हमारे पास 2^6 यानी 64 रिलेशन होंगी बच्चों हमारे पास ए टू बी। बच्चों अब अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बच्चों टाइप ऑफ रिलेशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। सो हमारे पास मेनली तो 3 तरह की रिलेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, और फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज, लेकिन हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन, सभी टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, एक रिलेशन को हम सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे अगर आर रिलेशन हमारे पास क्या है ए कोमा ए इस फॉर्म की, और जो ए है ये किससे बिलोंग करता हो, सेट ए से। सपोज हमारे पास ए सेट है वो इस तरह से है 1 2 3 और रिलेशन हमारे पास क्या है 1 1 2 2 3 3 और रिलेशन हमारे पास ये है, तो हम इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे बच्चों, क्योंकि इस सेट का जो प्रत्येक एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, यानी 1 1 से रिलेट कर रहा है, 2 2 से रिलेट कर रहा है, 3 3 के यानी 1 की 1 के साथ रिलेशन है, 2 की 2 के साथ है, और 3 की 3 के साथ है, तो इस तरह की रिलेशन को हम बच्चों बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बच्चों अब इसके बाद आते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है बच्चों, देखो यूनिवर्सल वर्ड से क्लियर है,
जिसकी सबके साथ सब यूनिवर्सल रिलेशन हो, यानी जिसकी सब किसी हर किसी के साथ रिलेशन हो, उसको कहेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे ए रिलेशन आर इन दिस सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यानी एक ऐसी रिलेशन जिसमें ना ए का प्रत्येक एलिमेंट उसके सभी एलिमेंट से क्या करता हो, रिलेट करता हो। या बच्चों दूसरे वे में हम कहें, अगर सपोज इंडिया है, इंडिया को सभी देश जानते हैं, इंडिया का हर देश के साथ कनेक्शन है किसी न किसी रूप से, तो हम कहेंगे इंडिया हैज यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चों इसी तरह से अगर एक ए सेट है, अगर उस सेट के सभी जितने भी एलिमेंट है उसकी हर किसी के साथ रिलेशन है, यानी उसका हर एक एलिमेंट हर किसी के साथ कनेक्ट है। जैसे बच्चों रिलेशन मेरे पास एक ए सेट है 2 3, अगर 2 3 इसके हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट है तो हम कहेंगे आर इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। यानी 2 का अगर 2 के साथ भी संबंध है, 2 का 3 के साथ भी संबंध है, 3 का 2 के साथ संबंध है, और 3 का 3 के साथ भी संबंध है, तो इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। इसके जितने भी एलिमेंट है वो हर किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट है, यानी ए टू ए जो ये रिलेशन है ये क्या है, ये रिलेशन आर है जो सेट ए के ऊपर क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। बच्चों वॉइड रिलेशन इसके बाद आती है। ए रिलेशन आर इन दी सेट ए इज कॉल्ड ए वॉइड, वॉइड मीन्स एम्प्टी खाली, या एम्प्टी रिलेशन कहेंगे अगर नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अगर कोई भी एलिमेंट ए का ए से रिलेट ना करता हो, सपोज मेरे पास ए एक सेट है 1 2 3 4 5, और मेरे पास आर है, आर इस तरह से है, पहले ए कोमा बी इज सच दैट ए भी किससे बिलोंग करता हो ए से, और बी भी किससे बिलोंग करता हो ए से, और a माइनस बी किसके इक्वल आना चाहिए बच्चों, हमारे पास 8 के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों हमने a और b दो एलिमेंट ऐसे लेने हैं ताकि उनका डिफरेंस 8 हो। अगर a 1 लूं b 2 लूं तो 1 - 2 8 नहीं है, 1 के साथ 3 का डिफरेंस भी 8 नहीं है, 1 के साथ 4 का डिफरेंस भी 8 नहीं है, 1 के साथ 5 का डिफरेंस भी, किसी भी कोई भी हम दो एलिमेंट ले तो उनका डिफरेंस हमारे पास 8 नहीं आता। इट मीन्स R क्या है, R इज एन एम्प्टी रिलेशन को हम फाई भी बोलते हैं बच्चों, और जो फाई है वो सबसेट होता है A क्रॉस A का, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो R क्या है, यहाँ पे रिलेशन है, कौन सी रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल, यानी इफ आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, अगर आर हमारे पास ए टू बी रिलेशन है तो देन रिलेशन फ्रॉम बी टू ए हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास आर रिलेशन है, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आर है बच्चों मेरे पास रिलेशन है, मेरे पास दो सेट्स के ऊपर, तो R इनवर्स क्या हो जाएगी बच्चों, इनवर्स हो जाएगी, उल्टी आ जाएगी बच्चों, 2 पहले आ जाएगा 1 बाद में आ जाएगा, यानी ये B का एलिमेंट था, ये A का था, ये B का एलिमेंट पहले आ जाएगा A का बाद में, 6 पहले और 5 बाद में। बच्चों ये है हमारे पास B टू A रिलेशन बन गई, पहले A टू B थी, A टू B मीन्स पहला एलिमेंट A से दूसरा B से, अब पहले दूसरा एलिमेंट आ गया फिर पहला आ गया, तो दिस रिलेशन इज नोन एज इनवर्स रिलेशन। अब बच्चों इसके बाद जो तीन रिलेशन मैं बताने जा रहा हूँ, 5th रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, 6th होगी सिमेट्रिक, और 7th होगी ट्रांजिटिव। ये तीनों ही रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन तीनों ही रिलेशन का हमारी इन दो एक्सरसाइज में जो फर्स्ट टू एक्सरसाइज है इसमें यूज होगा। सो बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, एक रिलेशन आर को हम नॉन एम्प्टी सेट के ए के ऊपर रिफ्लेक्सिव कहेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। उसने कहा प्रत्येक एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता हो हमारे पास, तो ए अपने आप से रिलेट
करना चाहिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे सपोज बच्चों मेरे पास ए है सेट 1, 2, 3 और आर है मेरे पास रिलेशन 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3। अब बच्चों देखिए, अब ये रिलेशन है, इस रिलेशन में आप देखिए जितने भी एलिमेंट है 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ये सभी एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से कर रहे हैं। इट मीन्स ये रिलेशन सेट ए के ऊपर है। अगर प्रत्येक एलिमेंट इस रिलेशन का ए से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये रिलेशन सेट ए के ऊपर है। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगी बच्चों? अगर इसमें जो ए सेट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपने आप से रिलेशन जरूर होना चाहिए। अब ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनका अपने आप से रिलेशन है ना आर रिलेशन में, यानी वन का रिलेशन 1, 1, यानी प्रत्येक जितने भी एलिमेंट यहाँ पे हैं उनका सबका पेयर होना चाहिए आपके पास किसमें, रिलेशन के अंदर। यानी उन सब का प्रत्येक का सेम ऑर्डर पेयर, मीन्स पहला एलिमेंट भी ए से और दूसरा एलिमेंट भी ए से, यानी प्रत्येक का अपने आप से रिलेशन हमारे पास सेट आर के अंदर होना चाहिए। तो हमने देखा 1 तो 1, 1, 2 देखा तो 2, 2 है, 3 देखा तो 3, 3 है। तो इस रिलेशन को हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन में तो जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, ये सपोज मेरे पास 1, 2, 3 एक ए सेट था, तो हमने रिलेशन आर में ना प्रत्येक जो ए का जो एलिमेंट है, जितने भी एक एलिमेंट है उन्हीं का रिलेशन अपने आप से होना चाहिए। तो देखिए 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में उनका अपने आप के साथ तो होना ही चाहिए, चाहे दूसरों का रिलेशन है, यानी 1 का 2 के साथ है वो भी आ सकता है, 1 का 3 के साथ भी आ, 3 का 2 के साथ भी आ सकता है। इसके अलावा और एलिमेंट भी हमारे पास मौजूद हो सकते हैं आर में, यानी इसमें क्या हो सकता है रिफ्लेक्स रिलेशन के अंदर जो सेट ए के एलिमेंट है उनका अपने आप से संबंध तो मिलेगा ही, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट का संबंध भी इसमें मिल सकता है। तो यानी सभी जो रिफ्लेक्सिव सभी आइडेंटिटी रिलेशन है उसको हम रिफ्लेक्सिव तो बोल सकते हैं, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव को आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन केवल तभी होगी अगर सिर्फ उसमें वही एलिमेंट हो जो अपने आप से रिलेट कर रहे हैं। देखिए ए सेट के सिर्फ वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये है आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों। और लेकिन इस रिलेशन में देखेंगे हम जो ए के एलिमेंट है वो अपने आप से रिलेट तो कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेट कर रहे हैं, तो हम इस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चों अब ये लिखी कैसे जाती है? अब देखा मैंने 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2, 2 है इसमें, 3 का रिलेशन 3, 3 है, तो इट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम ये लिखेंगे इस तरह से, अगर ये रिफ्लेक्स है तो लिखेंगे इस तरह से, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू, मैंने ए लिया, यानी कोई भी एलिमेंट हम ए सेट ए से लेंगे तो उसका पेयर, यानी सेम पेयर, यानी वो अपने आप से रिलेट करेगा। अगर वो अपने आप से रिलेट कर रहा है आर में, तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए बच्चों, ए कोई भी एलिमेंट 1 लिया तो 1, 1 है, 2 लिया तो 2, 2 है, 3 लिया तो 3, 3 है, यानी उसका सेम पेयर हमारे पास आर में मिल रहा है अगर, तो हम कहेंगे इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बच्चों कई बार ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होती, वो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। सपोज मेरे पास ए है सेट 1, 2, 3 और आर है मेरे पास 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3। अब देखिए बच्चों, मैंने देखा यहाँ पे 1 देखा तो 1, 1 है, 2 लिया तो 2, 2 नहीं है, 3 लिया तो 3, 3 है, लेकिन 2 लिया 2, 2 नहीं है ना यहाँ पे। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है बच्चों, तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। और रिफ्लेक्सिव न होने का जो है रीजन क्या दोगे आप लोग, जिसके कारण ये रिफ्लेक्सिव नहीं है वो हम रीजन देंगे। अब 2 लिया तो 2, 2 नहीं है ना, तो हम लिखेंगे वी हैव 2 belongs to A but 2, 2 does not belongs to R, so it is not reflexive, ये reflexive relation नहीं है। तो इस तरह से बच्चों जिसके कारण वो reflexive है उसका कारण बता देंगे, तो ये reflexive नहीं है। अब बात आती है symmetric relation।
सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है बच्चों, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगी, एक रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक। अगर कोई रिलेशन है हमारे पास किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर, उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे इफ एनी ए बी, कोई भी पेयर ए बी जो आर में है, इम्प्लाइज बी ए किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में करना चाहिए। अब बच्चों ये शायद आपको नहीं समझ आई, मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ आपको। सपोज मेरे पास रिलेशन आर है, सेट मेरे पास है ए 1 2 3, और रिलेशन आर है मेरे पास 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 1 3। अब देखिए बच्चों यहां पे मेरे पास जितने भी एलिमेंट है कि जितने भी पेयर हैं ए बी, उसने कहा है ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जितने भी ए बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा 2 1 भी आर में होना चाहिए। 2 1 है यहाँ पे, ये रहा, जितने भी पेयर है यहाँ पे आर में उनके इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए बच्चों। 2 3 है तो 3 2 है, 3 1 का उल्टा 1 3 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही रहेगा, 3 3 का उल्टा 3 3 ही रहेगा। सपोज 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 ही रहेगा। यानी हमने देखा जितने भी पेयर आर के अंदर है उनके रेसिप्रोकल भी आर में है ना, सो हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सो हम लिखेंगे कैसे बच्चों, वी है एनी ए बी, एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, कोई भी पेयर अगर हमारे पास जो आर में है, इम्प्लाइज उसका बी ए बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना बच्चों। अगर बी ए आर से बिलोंग कर रहा है तो हम इसे कहेंगे दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, सो आर इज सिमेट्रिक। अब ये सिमेट्रिक किसके ऊपर है बच्चों, किसके ऊपर है, ये सेट ऑन सेट ए। अब सेट ए पे सिमेट्रिक होने का मतलब है बच्चों जितने भी आर के एलिमेंट है बच्चों, आर में जितने भी एलिमेंट हो सारे ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं ना, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो, तो इस रिलेशन को कहेंगे ये सिमेट्रिक है, किस सेट के ऊपर, ए सेट के ऊपर। अब देखिए बच्चों, अब ये सिमेट्रिक अगर सपोज ये सिमेट्रिक ना होती, जैसे मैं सिमेट्रिक ना होने का भी दे रहा हूं कारण, जैसे मेरे पास आर रिलेशन इस तरह से है 1 2 1 1 2 3 3 2 3 3, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है बच्चों? इसके लिए मैं देखूंगा 1 2 का उल्टा 2 1 है इसमें, नहीं है, 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही रहेगा, 2 3 का उल्टा 3 2 है, और 3 3 का उल्टा 3 3। अब 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है ना, अब 1 2 का उल्टा नहीं है, इट मीन्स दिस इज नॉट सिमेट्रिक, तो इसका न होने का कारण देंगे बच्चों हम, सिमेट्रिक न होने का कारण हम देखेंगे। वी हैव, जिसके कारण ये सिमेट्रिक नहीं है उसको हम रीजन बना लेंगे, वी हैव 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो न होने का कारण बच्चों इस तरह से हमने देना है बच्चों। अब बात आती है ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है बच्चों, सपोज करो मेरे पास ए कोमा बी एंड ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। मेरे पास दो ऐसे पेयर हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर है। इफ वी हैव ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, अगर हमें ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर मिल जाता है तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। सपोज मेरे पास ए सेट है 1 2 3 और रिलेशन आर है इस तरह से 1 1 1 2 2 1 2 3 3 2 3 3, सपोज बच्चों मेरे पास ये है रिलेशन। अब मैंने देखना है ए बी और बी सी दो पेयर लेने हैं मुझे, ये हमें लेने हैं जो आर से बिलोंग करता है, और हमें चेक करना है क्या ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर है।
मैंने ए बी 1.2 और 2.1 लिया, ए बी बी सी, तो ए सी चेक करना है 1.1 है इसमें, है बच्चों। अब मैंने लिया 1.2 और 2.3, तो 1.3 होना चाहिए। अब मैं ए बी 1.2 लिया, दूसरा बी के साथ स्टार्ट होना चाहिए ना बच्चों पेयर, दूसरा 2 से स्टार्ट होना, 2 के साथ 3 लिया तो 1.3 होना चाहिए, तो 1.3 सपोज करो इसमें है, 1.2 और 2.3 लिया तो 1.3 है इसमें। अब 2.1 और 1.1 देखो, ए बी 2.1 और 1.2 लें, देखिए बच्चों 2.1 और 1.2 यानी ए बी, दूसरा बी से स्टार्ट बी सी यानी 2.2 होना चाहिए, 2.2 इसमें नहीं है तो 2.2 भी सपोज इसमें है। अब 3.2 और 2.1 तो 3.1 होना चाहिए, सो 3.1 इसमें है सपोज। अब देखिए बच्चों, कोई भी पेयर बनाओ आप, पेयर कैसे आपने इस तरह के पेयर बनाने, ए बी और दूसरा बी से स्टार्ट होना चाहिए सी से। सो मैंने 1.2 और 2 के साथ 3 लिया, 1.2 और 2 के साथ 3, क्योंकि ए बी और बी के साथ सी लेना है, तो हमने चेक क्या करना है, ए सी चेक पहला और चौथा चेक करना ना बच्चों, 1.2 और 2.3 लिया तो 1.3 होना चाहिए, 1.3 है। 2.1 और 1.2 लिया तो 2.2 होना चाहिए, 2.2 भी है। 2.3 और 3.2 लिया तो 2.2 होना चाहिए, तो 2.2 है। 3.2 और 2.3 लिया तो 3.3 होना चाहिए है। 1.3 और 3.1 लिया तो 1.1 है। हमने देखा कि जितने भी मैं ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर लिए, तो उन सब के लिए ए सी बिलोंग्स टू आर है, एन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब कोई भी ए बी या बी सी बिलोंग्स टू आर लिए मैंने, तो इम्प्लाइज ए सी अगर बिलोंग्स टू आर है, सो इट मीन्स दिस रिलेशन इज स्मिट ट्रांसटिव। तो अब देखा हमने इस रिलेशन में कोई भी ए बी और बी सी, यानी ए बी मीन्स 1.2 लिया, तो अगला पेयर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2 के साथ कुछ भी हो, 2 के साथ सपोज 3 है तो 1.3 चेक करना में, तो 1.2 और 2 के साथ 3 लिया तो 1.3 इसमें है। सभी पेयर के लिए हमारे पास ये सेटिस्फाई होनी चाहिए बच्चों। सो नाउ ये जो रिलेशन है इन सभी पेयर के लिए सेटिस्फाई कर रही है, जो ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो दिस रिलेशन इज ट्रांसटिव। अब बच्चों ट्रांसटिव ना होने का कारण बता रहा हूं मैं, सपोज मेरे पास रिलेशन इस तरह से है, 1.2, 2.3, 3.2, 2.2, 1.3, 3.1। अब देखिए बच्चों, मैंने देखा 1.2 और 2.3 लिया, ए बी और बी सी, बी से स्टार्ट होना चाहिए ना, तो 1.3 इसमें है। 2.3 और 3.2 लिया, ए बी और बी सी, तो 2.2 है। अब देखा 1.3 और 3.1 के लिए 1.1 नहीं है बच्चों, देखिए यहाँ पे 1.3 और 3.1 के लिए 1.1 नहीं है, तो ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है। इट मीन्स अब ये ट्रांसटिव नहीं है, इट मीन्स हम इसका कारण देंगे, किसके कारण ये ट्रांसटिव, तो इस पेयर के कारण ही है ना ट्रांसटिव। तो वी हैव 1.3 बिलोंग्स टू आर एंड 3.1 बिलोंग्स टू आर, बट 1.1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग नहीं करता, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसटिव, ये रिलेशन ट्रांसटिव नहीं है। अब बच्चों ध्यान रखना आपने, आप ये सोच रहे होंगे सर 1.2 और 2.3 लिया तो 1.3 तो है, और 2.3 और 3.2 है, 2.2 भी है। हमें सभी के लिए चेक करना बच्चों, जितने भी पेयर इसमें बन रहे हैं ए बी और बी सी की फॉर्म के, ए बी और बी सी की फॉर्म के जितने भी पेयर इसमें बन रहे हैं, उनके लिए ए सी चेक करना है। अब इसके लिए तो ए बी और बी सी है, तो ए सी है इसके लिए भी ए सी है, लेकिन इन दोनों के लिए ए सी नहीं है, तो अब इन दोनों के कारण ये ट्रांसटिव नहीं है, तो हमें हमारे सभी के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए रिलेशन। अब बच्चों एक ऐसी रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, उसको हम इक्विवेलेंस बोलेंगे, आर रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज सेड टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन
रिलेशन। एक रिलेशन जो सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है और रिफ्लेक्स है, उसको कहेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है बच्चों? लास्ट रिलेशन। ये रिलेशन आर ऑन दी सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक। एक रिलेशन हम सेट ए के ऊपर एंटी सिमेट्रिक कहेंगे अगर ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन ए के साथ है और हमारे पास ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है और ए हमारे पास बी के इक्वल है, तो हम उसको कहेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब बच्चों एंटी सिमेट्रिक कौन सी नहीं होगी जिसमें ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी आता है, तो हम उसे कहेंगे वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सो इन रिलेशन का हमारे चैप्टर में ज्यादा यूज नहीं है। जो हमारे पास ज्यादा यूज वाली रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांसटिव। पहली है रिफ्लेक्सिव, दूसरी है सिमेट्रिक और तीसरी है ट्रांसटिव रिलेशन। तो इसका बच्चों हमारे चैप्टर में मैक्सिमम यूज है। सो बच्चों ये थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। अब इसके बाद 1.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।